सुप्रभात गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। तो अभी मैं तैयार हो चुका हूं और विनीत भाई तैयार होने गए हैं, तो वो आ जाएं फिर चलते हैं। तो गाइस अभी हम घर से निकल चुके हैं और विनीत भाई भी तैयार होकर आ चुके हैं, तो हम साथ में जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, दिखाएंगे आपको। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे सामने है। तो अंदर चल कर देखते हैं क्या कुछ कैसा रहता है। तो ऐसा कुछ यहाँ का एंट्रेंस है जो कि आप देख सकते हैं। ये गाइस देखिए पार्किंग है, और पार्किंग में क्या ही लंबी लंबी गाड़ियाँ खड़ी हैं। यूनिवर्सिटी मतलब बहुत ही तगड़ा स्थान है, और इधर साइड गार्डन है, गार्डन में दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो गाइस देखिए क्या ही ज़बरदस्त मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग आ गए हैं। और इधर ये क्लासेस होती हैं, आगे भी क्लासेस होती हैं। तो हम लोग अपने दोस्त का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद जब हमारा दोस्त आ जाएगा तब तक हम लोग ये सामने जो पार्क दिख रहा है, इस पार्क में बैठेंगे चल के। तो शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। तो ये देखिए सामने छत्रपति साहू जी महाराज की मूर्ति है। ठीक है, नज़ारा विश्वविद्यालय कानपुर, विश्वविद्यालय तिरंगा, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। नहीं नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं। तो गाइस बाकी सब अच्छा है, कानपुर यूनिवर्सिटी हमारी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। आइए सिगरेट नगर निगम, ये देखिए दो डिब्बे धरे हैं, एक डिब्बा ना एक हरो वाला डिब्बा है, मैं गीलो कचरा डार हो जाते, लाल वाला डिब्बा नीलो वाला डिब्बा है, मैं हरो कचरा डार हो जाते, का सा मैं कर रहे हैं। लेकिन तो यूनिवर्सिटी का गार्डन जो है, ये छोटा सा गार्डन, हम यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर भी देखिए क्या ही देखिए। ये गाइस बहुत ही बढ़िया प्लेस है यूनिवर्सिटी दौड़ लगाने के लिए। स्विमिंग पूल इसमें पानी नाम पे कलंक है। देखिए गाइस ये यूनिवर्सिटी का स्विमिंग पूल है, जो कि अभी गर्मियों की वजह से काफ़ी सफाई नहीं हुई है काफ़ी दिन से इसकी, अगले कुछ दिनों में इसकी सफाई होगी। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत अच्छा वाटर पार्क है, शाम को इसका नज़ारा और भी ज़्यादा ओपी होता है। तो ये छोटा सा पार्क, आगे पुलिस बैठी है यहाँ पर, मतलब यूनिवर्सिटी के लोग इतने गंदे हैं कि यहीं पे कचरा पेटी बना दी है इसको। तो गाइस यहाँ पर बैठकर हम लोग मस्ती करेंगे और इंतज़ार करेंगे। हम लोग बाप से जा रहे हैं, और हरे 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 पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पर, सब हरा हरा है, हरियाली काफ़ी है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी हमारी यूनिवर्सिटी। देखिए गाइस बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी है। अभी भी हमारा दोस्त आया नहीं है, जिसका हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं भाई साहब, बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने पर चालान की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर संस्कृत भाषा लिखी हुई है। फोटो खींच ली, हाँ। कैसी फोटो होती? ये देखिए ये भी बहुत सारे ग्राउंड है, मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छा खूबसूरत नजारा है यूनिवर्सिटी का, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है भाई साहब। ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, इतना दूर तो हम लोग 1600 मीटर का अपना रनिंग का चक्कर लगा के आ जाते, तब भी इतना नहीं चलना पड़ता जितना यहाँ पे चलना पड़ रहा है। सामने से एक ट्रैक्टर भी यूनिवर्सिटी में, देखिए गाइस इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, यहाँ से ट्रैक्टरों से खुदाई हो रही है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। क्या साय मैं बकरे हम लोग। और यहाँ पर कुछ नए कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जो गमले वगैरह लगाए जा रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग गेट से बाहर जा रहे हैं, फिर देखते हैं, और यूनिवर्सिटी का नज़ारा काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। पीछे से भैया तो ये वही भैया हैं जो पीछे से वीडियो में हाय कर रहे थे। तो इन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना वीडियो को। तो इससे आगे हमने कुछ बनाया नहीं, तो हमने विनीत भाई से कहा कि घर चलते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, और मैं अपने कॉलेज टाइम्स के बाद से 2 साल घर में रहा, ना ही किसी से मिला, ना ही किसी से बात की, तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। तो फिर हम लोग घर आ गए, तो इस वजह से हमने आगे कुछ शूट भी नहीं किया। और अपने विनीत भाई का एक एंटरटेनमेंट चैनल भी है, जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
जाकर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे वीडियो बनाते हैं भाई, और भाई को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। आप वहाँ भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।